अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो, हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी इस पर मॉफकॉम स्कॉलरशिप पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो ये मैंने तकरीबन 18 घंटे पहले ग्रुप में एक पोस्ट किया मॉफकॉम स्कॉलरशिप चाइना 2019। इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल देना, ऐसे समझो अपडेटेड वीडियो है। इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन कर सकता है और क्या कुछ यहाँ पे होगा। अब इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास फॉर्म ओपन होता है, सी एस सी की मेन साइट है, यहाँ पे आप आगे कुछ भी सर्च आउट कर सकते हैं। अब जैसा कि अब ये है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दी इकोनॉमिक एंड कमर्शियल काउंसलर ऑफिस ECCO ऑफ द चाइनीज एम्बेसी इन योर कंट्री विल बी ओपन फॉर एप्लीकेशन अंटिल 30 अप्रैल 2019। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 30 अप्रैल तक इसको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं अपने हार्ड फॉर्म में। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, टू बी ये सिंपल वही है जैसा कि आप गुड हेल्थ होना चाहिए, बैचलर डिग्री वगैरह मास्टर के लिए कर रहे हैं, मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री हो, डॉक्टर के लिए कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री हो, बी अंडर दी है जो 45 एन अप्लाइंग, समझ रहे हैं ना, आपको ये सारी सिंपल वही कैटेगरीज है। अब मैं आपको मेन चीज जो है इसकी कवरेज क्या है, ट्यूशन वेवियर है, कैंपस अकोमोडेशन है, स्टाइफंड है, स्टाइफंड कितना यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे 3000 पर मास्टर है, 3500 पर PhD है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वन टाइम राउंड ट्रिप इंटरनेशनल सीट है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट रिटन इन चाइनीज आर इंग्लिश, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी मॉफकॉम स्कॉलरशिप। अब इसमें आपने अटैच कौन कौन सी करनी है, फोटो कॉपी, आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है ना। नोट उसने क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट टू सेट ऑफ दी हार्ड कॉपी, इसका मतलब ये हो कि आपने टू सेट्स साइन करने हैं, शुड बी ट्रू एंड कंप्लीट एंड सेंड टू द ECCO ऑफ द चाइनीज एम्बेसी बिफोर थोड़ा ये आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता ही होगा। प्लेसमेंट क्या है, ईच एप्लीकेंट कैन चूज वन सेम मेजर इन थ्री यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ द 26 डिजाइन यूनिवर्सिटीज एज देयर डिजाइन ऑप्शन। जब आप CSE के पोर्टल पर जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा टाइप ए में आपके पास 3 यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंसेज थी, ऐसे ही यहाँ पे जब आप मॉफकॉम का करेंगे तो यहाँ पे भी प्रेफरेंसेस होगा, प्रेफरेंसिंग होने में वो 3 प्रेफरेंसेस होंगे लेकिन आपका मेजर सेम होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज आप चेंज कर सकते हैं जिसमें भी आप करना चाहते हैं। एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो September 2019 है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने सबसे पहले CSE ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे ये कैरियर हेल्प डेस्क पर जब विजिट करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वीडियो आई हुई है हाउ टू फिल CSE एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टाइप ए एंड बी, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। जब आप इस पे जाते हैं तो एजेंसी नंबर जो आपने वहाँ पे देना है, एजेंसी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 00010, आपने ये देने के बाद कंप्लीट फॉर्म को फिलअप कर लेना है। कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है, उसको प्रिंट लेना है, प्रिंट आउट लेने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बनाने हैं, नोटराइज डॉक्यूमेंट हो तो वेल एंड गुड, अच्छा है। आपने 2 सेट बनाने के बाद 2 सेट से मुराद आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म और आपके डॉक्यूमेंट्स एक एक आपका एक सेट हुआ, ऐसे ही आपने दूसरा सेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को एनवेलप में डाल के या एनवेलप में इसको सील करके आपने क्या करना है, बाय पोस्ट चाइनीज एम्बेसी को सेंड कर देने हैं 2 कॉपीज। अब चाइनीज एम्बेसी के आप पूछेंगे भी एड्रेस क्या है, हमने एड्रेस कहाँ पे सेंड करना है। अब एड्रेस जो है चाइनीज एम्बेसी की यहाँ पे गिवन है, जैसे करके दिख रहे हैं 2 यहाँ पे ऑप्शन है, कल्चर ऑफिस चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान टेलीफोन नंबर है उसका एड्रेस है, मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ पाकिस्तान ये है। अब काफी स्कॉलरशिप्स में जो है ये वाला एड्रेस मांगा हुआ होता है, कुछ के अंदर ये वाला एड्रेस मांगा होता है, तो आपने क्या करना है, ये वाला COCE एम्बेसी इन पाकिस्तान आपने इसको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सेंड कर देने हैं। वैसे तो अगर आप इन दोनों में से किसी पे भी करेंगे आपको फॉरवर्ड कर देगा कि इसमें जाना है इसमें जाना है, लेकिन आपने जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है आपने इसमें, तो आपने इसको है फर्स्ट वन जो है आपने यहाँ पे इसको सेंड कर देना। काफी जगह पे क्या होता है ये भी लिखा हुआ है, कुछ स्कॉलरशिप में देखा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ पाकिस्तान ये एड्रेस गिवन होता है, ये एड्रेस यहाँ पे गिवन है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड अप कर देने हैं। अब यहाँ पे इसमें कोई नई चीज नहीं है, आपने 2 सेट बनाने के बाद एम्बेसी भेज देनी है, यू कैन मेक चेंज टू योर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग रिट्राई एप्लीकेशन ऑन द लेफ्ट पार्ट, ये तो सबमिशन के बाद कंफर्मेशन हो जाएगी तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी वीडियो आपके बनाने का मकसद ये था, तो आपको बताने का मकसद था तो क्या करना है कैसे करना है, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, ये भी CSE के अंडर आता है, आप लोग इसमें भी अप्लाई करें। ये उस कैटेगरी ए और कैटेगरी बी से सेपरेट है, ये कैटेगरी ए और कैटेगरी बी से सेपरेट है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो आप इस पर जाके चेक करें और यहाँ पे अप्लाई करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, और हमारी तो यही कोशिश है कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई करें और अपने फ्यूचर्स के लिए अपने अच्छे बच्चे अच्छे ऑप्शन तलाश करें और अच्छी जगह पे एडजस्ट हो जाएं। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था आप लोगों को बताना, तो उसके लिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।